बोलता नहीं है, तेरे को बोल दिया ना, कोर्ट की देख लेंगे। हैं जी, भाई वीडियो कॉल भी हुई है। वीडियो कॉल नहीं है तो सर, वीडियो वगैरह बनाते हैं ना अपने यूट्यूब के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका भाई फुल रेडी हो चुका है राइड पे जाने के लिए। तो अभी मैं बीच रास्ते में बताऊंगा कि आपको मैं किस साइड जा रहा हूं। तो अभी फटाफट से बैग वगैरह पैक कर लिया मैंने, और टाइम आप देख सकते हैं कि 2:30 बजे के करीब हो चुके हैं। तो अभी 2:30 बज चुके हैं। तो अभी यहाँ घर वालों से मिला देता हूँ, तो इनको बाय बाय बोलते हैं फटाफट से। तो ये रहा अपना बैग जो कि हमने रेडी कर दिया है, और अपना हेलमेट साफ सूफ करके हमने रख दिया है। और यहाँ पे पापा जी और मम्मी जी यहाँ पे पूरा सामान पैक करते हुए हमारा, तो ये अपना पूरा सामान रेडी हो गया। तो फटाफट से चलते हैं बाइक पे। ठीक है जी, ठीक है, जैसा आप बोले। क्यों राज साहब, ठंड से, हाँ ठंड से बचाओ, रखना। चलिए ओके, तो संचलना मैं क्या चलो ठीक है गाइस, तो इनको बाय बाय बोलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है मम्मी, बेटा ध्यान से है ना बच्चे, ध्यान से अपने जाने जाने। तो चलते हैं अब। सो गाइस, अभी निकल चुका है अपने घर से, हे रही अपनी बाइक, तो धो धो के पूरी रेडी कर दिया हमने, तो अभी चलते हैं। सो गाइस, फाइनली आपका भाई निकल चुका है घर से, और अभी फिलहाल बज चुके हैं 2:30 बज गए थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत टाइम लग गया, पैकिंग वगैरह रह गई थी थोड़ी बहुत, तो वो की। तो अभी फ्यूल भी नहीं है अपने बाइक में, तो अभी फ्यूल वगैरह डलाएंगे और बढ़िया से इंजॉय करेंगे। और बस वाले भैया, तो बढ़िया से अभी हम अकेले जा रहे हैं, भाई वगैरह अपने वहीं मिलेंगे जाकर, और बढ़िया से मतलब ट्रैक वगैरह भी करेंगे वहां पे। देखते हैं जो जो हो पाएगा पॉसिबल, वो सब कुछ करेंगे हम। और इस टाइम बढ़िया होता है मौसम, वैसे थोड़ा लेट हो गया मैं क्योंकि दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ था मैं पहले सुबह, तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत लेट हो गया। वैसे कि अगर मैं 1 या 2 बजे तक निकल जाता ना घर से, तो भाई खतरनाक ही मजा आना था, क्योंकि आपको पता है उस टाइम बढ़िया मौसम होता है गर्म गर्म, क्योंकि आजकल सर्दियों में आपको पता है तब धूप ज़्यादा होती है ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लेकिन अब आपको पता है 4 बजे के बाद ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन चलो, हम तो पूरे पैक हो गए हैं जैकेट वगैरह पहन के, और लोअर भी मैंने दूसरी पहनी है फर वाली, तो इसमें हवा वगैरह तो जाती नहीं है, बाकी देखेंगे। पैक तो मैं ठीक ठाक हुआ हूँ, तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो भाई हम जा रहे हैं धर्मशाला। मैंने स्टोरी डाल थी जो इंस्टाग्राम पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा बंदों के वोट आए थे धर्मशाला को लेके। धर्मशाला और शिमला का भाई कड़ा मुकाबला था, खतरनाक वाला। तो फिर हमने सोचा कि पहले धर्मशाला कवर कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम शिमला गाइस। तो शिमला का भी देखेंगे, शिमला तो ऐसे है नॉर्मल है, कभी भी जा सकते हैं। धर्मशाला का होता है कि कभी कभी बनता है प्लान धर्मशाला, बाकी शिमला साइड तो हम हर कभी चले जाते हैं। तो आज ये देख सकते हैं आप क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है भाई, यहाँ पे पूरा ट्रक की पलट गया है। ये देखो भाई, पूरा ट्रक गिर गया नीचे ही। एक तो यहाँ पे काम बगैर चला है ना, और एक कीचड़ पड़ा है, देखो वाला पूरा ट्रक गिर चुका है यहाँ पे भाई। बंदा तो वैसे सही होगा क्योंकि आगे का फ्रंट बच चुका है, और पीछे का पूरा गिर चुका है भाई यहाँ पे यार। तभी बोलते हैं आराम से चलना चाहिए। एक तो यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ फेंका है ना, ये देखो वाला नीचे काम चला है यहाँ पे ब्रिज का, और इसको पता नहीं कितने महीने हो गए ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और ऊपर से है अभी पूरा लिंक रोड, और इतना बड़ा ट्रक है तो कहाँ से मुड़ेगा यहाँ पे। सो गाइस, अभी रुके हैं, फ्यूल भरा लेते हैं यहाँ पे, फुल करा देते हैं अपनी बाइक को फटाफट से, फुल कर दो। सो गाइस, बाइक को करा दिया हमने फुल, तो अभी चलते हैं फटाफट से। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट मंदिर के पास, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, मत्था वगैरह टेकते हैं, और बस जय हो जगन्नाथ। जय हो भगवान, कृपा करना, जय हो जगन्नाथ। तो भाई ये अपना फेवरेट मंदिर, तो यहाँ पे मैं हर बार रुकता हूँ, जितनी बार मैं इस रास्ते से आता हूँ ना या जाता हूँ कहीं, तो यहाँ पे हमेशा ही रुकता हूँ मैं, हमेशा,
क्योंकि सही यहाँ पे ना तगड़ी वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब। तो यहाँ पे हर बार ही रुकता हूँ मैं, देख सकते हैं मेन रोड पे ही है। पिछली बार भी बताया था मैंने जब मैं धर्मशाला साइड गया था, तो चलते हैं अब। बस मैं हमीरपुर पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से 10 या 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं हमीरपुर। तो अब चलते हैं। जी सर, लाइसेंस ऐसी है सर। कौन सा? इसमें नहीं है सर। हाय, यस। जी सर, देंगे वो फाइन पड़ेगा इसका पीछे वाला। सर पीछे आ जाओ, यहां होगा। नमस्ते, हाँ जी सर, कम कर लो थोड़ा। सर दो शीशे इसके ऐसे ही हैं बाइक के, बाकी सब तो है सब कुछ। सर तो इसमें पहले इंडिकेटर थे और बस। कोर्ट की डेट नहीं है? हाँ जी, कोर्ट की डेट नहीं है। भाई वीडियो कॉल क्यों हुई है? वीडियो कॉल नहीं है तो सर, वीडियो वगैरह बनाते हैं ना अपने यूट्यूब के लिए। तब चलिए यहाँ बंद करो इसको। सो गाइस, यहाँ पे कट चुका है अपना चालान 300 रुपए का। हेलो सर, जी सर, मैं तो ऐसे जाता हूँ हर जगह, देहरादून क्या धर्मशाला हर जगह। तेरी जगह तो बची है, कितना हुआ? 300 रुपए तो सर, मैं तो ऐसे जाता हूँ हर जगह, कोई भी नहीं बोलता है। बोलता नहीं, पर तेरे को बोल दिया ना, 500 रुपए ये तो कम नहीं है। क्या नाम है आपका? वरुण सर। हाँ जी ठीक। सो गाइस, 300 रुपए का चालान कट गया अपना यार यहाँ पे। चलो उसका तो कोई नहीं है, इन्होंने बोला कि शीशे का चालान, कि शीशे वगैरह लगवा लेना। तो यार मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ हर जगह बिना इसके। मैं धर्मशाला क्या, देहरादून क्या, चंडीगढ़ तो मैं 3-4 बार जाके आ गया हूँ ऐसे ही। शीशे तो मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए खोले हुए इस बाइक के। तो बोलते हैं उसका चालान होगा, मैंने बोला मैं तो ऐसे घूमता हूँ हर जगह, बाकी ऐसे आपको पता है पुलिस वाले कुछ भी जोड़ते हैं पैसे लेने के लिए। बाकी चलो कोई चक्कर नहीं, अब चलते हैं आगे। उनको बोला तो मैंने बथेरा बोला कि कम कर दो, फिर बोलता है कोर्ट की डेट ले लो ये वो सो। फिर आपको पता है कि फिर कोर्ट जाओ ये करो छत्ती बांधने,
फिर ज्यादा वो करते हैं, तो इसलिए मैंने बोला चलो निपटाते हैं। सो गाइस यहाँ जैसे आप रास्ता चेक करो भाई, क्या खतरनाक रास्ता है। देखो दोनों साइड ना मतलब जंगल ही जंगल, और बीच में हम चले हैं, और पीछे जैसे तो दोनों साइड आप रख लो पेड़ ही पेड़ थे ना, और बीच में हम भाई खतरनाक ही मजार था। और यहाँ जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि जो उन्ना वाला रास्ता है ना कि उस साइड को जा रहे हैं, मतलब ये जो एक दो किलोमीटर का पैच है ना, और डिटो लगता है। देखो ला नीचे को पूरा प्लेन दिखाई देता है सब कुछ, और सही ये देखो जैसे उन्ना जाती वक्त ना पूरा मतलब कि जो उन्ना है नीचे वो पूरा दिखाई देता है हाइट से, तो वैसा ही लगता है यहाँ पे भी क्योंकि बिल्कुल हाइट पे है ना अभी। और वहाँ आगे जाके एम्स भी है, तो अभी वो भी दिखाता हूँ आपको जो कि बन रहा है अभी। ये देखो ये रहा वो एम्स जो कि बन रहा है अभी, तो ये पता नहीं कितने साल हो गए इसको ये बन नहीं रहा है तब से, इतने में तो बिलासपुर वाला बन के भी तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन भी हो गया पीछे। जैसे ओपीडी तो पहले ही खुल गई थी ना, लेकिन जो मेन था पूरे का वो अभी अभी हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं मिनी एम्स, क्योंकि छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। बिलासपुर वाला तो भाई खतरनाक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो गाइस आपका भाई पहुंच चुका है ज्वालाजी में इस टाइम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे खतरनाक भीड़ हर बारी की तरह, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही रश रहता है। तो ये रहा मेन गेट, तो जय हो माता जी, कृपा करना, सुख शांति रखना। तो यहाँ से है चिंतपूर्णी भी जा सकते हैं, मुन्ना भी जा सकते हैं, लेकिन हमने जाना है धर्मशाला, लेकिन वहाँ का बोर्ड ही उखाड़ दिया है कि कितने किलोमीटर बचा बाकी तो सबका था। पहले तो कुछ खाने पीने के लिए रुकते हैं, आगे प्यास भी लग गई है तो कुछ पीने के लिए भी ले लेंगे। तो बीच रास्ते में तो कुछ भी नहीं मिला भाई बीच में, जैसे मतलब तो होते हैं ना कई बार खड़े हुए बंदे, लेकिन आज तो कोई भी नहीं था। आज का दिन ही बेकार है भाई, आज तो ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं ना ऐसे ऐसे खतरनाक। अभी ये ज्वालाजी में ही तब भी कैमरा बंद था, और हर बारी भाई सीन तभी हो रहा है जब कैमरा बंद हो रहा है। अभी मैंने पीछे जैसे कैमरा ऑन किया था तब कुछ भी नहीं, तब नॉर्मल था, और जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया फिर से, तो चाचे ने क्या किया, रॉन्ग ही भाई रॉन्ग चला है, और रॉन्ग में ना इंडिकेटर दिया ना कुछ नहीं, और सीधी काट दी अपने साइड को स्कूटी, और फिर से वही मुझे पड़े भाई रोकने अपनी बाइक को। पता नहीं क्या कर रहे हैं बंदे आज, नहीं तो और देखो क्या सही लग रहा है सामने क्या रेड रेड भाई मोटा ही प्यार लग रहा है। ये देखो ला चाचा जी बातचीत बाद में करो यार यार क्या है यार हो कह रहा है भाई आज हो कह रहा है, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे लगी है भाई जी शादी, तो शादी में चल। और यहाँ चेक करो आप भाई, ये देखो पहाड़ कैसा ही लग रहा है। ये देखो छोटी सी खड्डा है, और देखो बिल्कुल ही प्लेन पहाड़ सूखा, ना कोई घास है ना कुछ नहीं, लेकिन सही है पत्थर ही है मतलब है पूरा, लेकिन प्यारा लग रहा है भाई। सामने की पहाड़ियाँ देखो भाई क्या सेक्सी लग रही हैं, कैमरे में इतनी सही नहीं आ रही होगी, लेकिन जो भाई आंखों से दिख रहा है ना इस टाइम जो नज़ारा, वो माय गॉड भाई बिल्कुल लाल पहाड़ियाँ, मतलब कि अभी शेड पड़ रही है ना, और क्या मस्त भाई क्या मस्त यार। यहाँ पे रुक के चाय वगैरह पी लेते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है ठंड तगड़ी है। चाय बन जाएगी एक कर दो। यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं अभी, और थोड़े बहुत गर्म हो जाते हैं। तो गाइस ये चेक करो सामने जा रही है ट्रेन, यहाँ पे ये देख सकते हैं तो ये छोटे वाली ट्रेन है जो कि बिल्कुल आराम आराम से चलती है, तो अभी ये हो जाएगी जोगिंदर नगर साइड, ये देख सकते हैं। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं धर्मशाला के लिए, तो पीछे रुका था मैं चाय वगैरह पीने के लिए, तो वो थोड़ी देर बैठा मैं वहाँ पे रेस्ट वगैरह कर ली, तो आप देख सकते हैं रेस्ट करने का नतीजा यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो गया है, और अभी मैं कांगड़ा भी नहीं पहुँचा क्योंकि वहाँ पे बैठ गया मैं थोड़ी देर, तो वहाँ पे ज़्यादा ही टाइम लग गया कुछ। और ये देखो सामने नाच रहा है बंदा ये अपने इसमें चला है, अच्छा गाने वगैरह लगाए इन्होंने भी, तो ये नाच रहे हैं बंदे बढ़िया से
और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं टनल, आप देख सकते हैं सामने। और भाई तगड़ा ही मजा, वो तो पीछे पूरे मजे ले रहे हैं बंदे, गाने गुने लगा के नाच रहे हैं बढ़िया आराम से। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी हो चुकी है खराब, जिसकी वजह से जाम लग गया है। देखो वाला गाड़ी का सेल्फी काम नहीं कर रहा है, और ये भाई तगड़े चला रहा है बंदा बुलेट, आगे वाला ठीक ठाक कट मार रहा है अभी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।